डीएमके सांसद की आपत्तिजनक टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान सामने आया है। अश्विनी चौबे ने कहा कि ऐसे लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। डीएमके सांसद ने गौमूत्र का ये कहकर बिहार और ऐसे तमाम हिंदी प्रदेश को गालियां दी जो कि अमर्यादित है। आपको बता दें कि अश्विनी चौबे ने कहा है कि बिहार का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो 6 को बैठक थी, अब 17 की बैठक हो, इनके बैठक और उठक से क्या होगा। ये सब के सब प्रधानमंत्री के कुर्सी का दावेदार रहते हैं। अब तो इनको जनता ने पूरी तरह से सबक सिखाया है कि जो सनातन और हिंदू धर्म का करेगा अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नीतीश कुमार पर कोई फेस बनाया जा रहा है? अरे फूफा जी आए, रूस बॉस के आए थे बंगलोर से मड़वा पर, अभी कोहबर में है, पता नहीं कहाँ है फूफा जी, कोहबर में है कहाँ, किस गली में छिपे हुए हैं। अब फूफा जी मुंह फुलाए बैठे हैं, इनको फिर चाहिए, ये कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। 24 में नरेंद्र मोदी ही जनता के आशीर्वाद से भारी मतों से अब की बार 400 पार। जेडीयू के सांसद ही बीजेपी की बड़ाई कर रहे हैं, सुनील कुमार पिंटू ही बड़ाई कर रहे हैं, अरे भाई ठीक नहीं कह रहे हैं सारे सांसद, देखना धीरे धीरे चुनाव आते आते सब के सब बिखर जाएंगे, सब होगा। आप देख लो राजनीति कैसे करवट लेता है। देखो ऐसे लोग अभी भी नहीं चेते हैं जो सनातन धर्मावलंबियों को, जो भारत की पुरातन संस्कृति को का अपमान करते हैं। गौ गंगा गीता और गायत्री ये भारत की मूल संस्कृति है। गौ मूत्र का यह कह कर के बिहार और ऐसे तमाम हिंदी प्रदेशों को जो इन्होंने इस प्रकार की भद्दी बात गालियां दिया है, ये पूरी तरह से अमर्यादित है। उन्हें सदन में भी आज हम लोगों ने कहा कि तुम्हें माफ़ी मांगना पड़ेगा, चुपके से नहीं बल्कि सार्वजनिक रूप से तुमने गलत बात बोला। और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लोग इसी प्रकार के हताशे में बयानबाजी, पहले भी सनातन धर्मावलंबियों का अपमान हो रहा था और आज फिर से कर रहे हैं और ये चुप हैं। कोई बोलता है DNA की बात करता है, आपने देखा वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, वो बिहार के और एक विशेष विरादी कुर्मी विरादी का कह करके DNA की बात कहा। ये बिहार का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश का अपमान। और ऐसे लोग जातिवादी घृणित वातावरण, और नीतीश कुमार चुप हैं, चुप लगाए हुए हैं, ये कैसा है, कैसी दोस्ती है, ये कैसा कांग्रेस के साथ सांठगांठ है। ये अभी तो हाफ हुए हो, अगले बार साफ हो जाओगे, सबके सब साफ हो जाओगे। नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं, वो सुनो खामोश, वो खामोश इसलिए है कि वो देख रहे हैं कि जनता पूरी तरह से उनके पैर के नीचे से जमीन खसक गई, और इसलिए आने वाले दिनों में ये सब लोग हाफ जो है अब पूरी साफ हो जाएंगे। और 2024 में ये सुन लीजिए, ये घमंडिया जो गठबंधन है, ये घमंडिया गठबंधन आपस के अंदर, ये सारे ठगबंधन जो है आपस में चकनाचूर हो करके कोई बंगाल की खाड़ी में समा जाएंगे और कोई नेपाल की तराई में घुस जाएंगे।